व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बहुत दिनों बाद आज एक छोटी सी राइड पे जा रहा हूँ, मतलब छोटी राइड कह लो या इसे स्पिन कह लो एक छोटा सा, क्योंकि आपको पता है मुंबई का वेदर इतने दिन से रोज़ बारिश हो रही है, जब से गणपति आए और गए रोज़ बारिश हो रही है, पूरा दिन क्लाउडी रहता था। आज का वेदर आप देख सकते हो, थोड़ा क्लाउड हट के ब्लू स्काई दिख रहा है बहुत दिनों बाद, इसलिए एक छोटी सी स्पिन पे जा रहा हूँ। ऑल दो टाइम तो दोपहर के 2:30 हो रहे हैं, 2:43 हो रहे हैं, मतलब 3 बजने आ गए। एंड बाय द वे, मैं सोलो नहीं जा रहा, मेरा फ्रेंड आ रहा है पिंकेश, बट शायद से वो अपनी बाइक नहीं ला रहा, मेरे पीछे बैठ रहा है, तो उसको पूछना पड़ेगा कौन सी राइड पे जा रहे हैं हम। सारा राइड पे तो वो आ रहे है, मेरे को तो उसका बोझ उठाना पड़ रहा है। पागल लड़का, रुको, उसको मारना पड़ेगा। दोपहर को 2 बजे किस चीज़ का इतना ट्रैफिक हुआ है ना, पता नहीं चल रहा। 2000 years later. अब वो तो आ रहा है, फिर व्यू तो अच्छा आ रहा है बहुत दिन बाद। अपन जा किधर रहे वैसे, ये तो बता। मस्त नहीं रहा तो व्लॉग में तेरा चेहरा दिखाऊंगा, मस्त नहीं रहा तो तेरे को डीएम करने बोलूंगा सबको। और अपन किधर जा रहे, राइट पे? राइट पे कैसे, मतलब राइट पे कौन जा रहा है, तू कि मैं? नहीं नहीं, मतलब तू ही है राइट पे, मैं राइट पे नहीं हूँ, मैं तेरे का तेरा बोझ उठा रहा हूँ लोड़े, मेरे को कुछ मजा नहीं आ रहा है। ऐसा पुलिस नहीं हो गया तो भी, अरे अरे सर रोक क्यों रहे हो, अरे सर एग्जॉस्ट नहीं डाला हमने, एग्जॉस्ट नहीं डाला है, कंपनी फिटेड है, एक्रावोविच के साथ ये साइन अप हुआ है। अरे हाँ, तू यूट्यूब पर, हाँ यूट्यूब पे आएगा, यूट्यूब पे वायरल, तू गोदरेज कंपनी के साथ स्पॉन्सर। अभी किसका बन रहा है भाई, माँ कसम। ये बारिश के कारण ऐसा दिख रहा है, वरना इतना सुंदर नहीं था। डॉगीज, वो क्या करता है रे, तेरी तो। अबे वो स्वान वान नहीं दिख रहा मेरे को, बदक वगैरह। अरे वाह, अबे इसको ये क्या हुआ है, ये ऐसे ही रहता है कि हुआ है कुछ इसको? मस्त है बे, जस्ट लुक एट द व्यू गाइज। इसने इधर रोकने बोल दिया, ये अभी आपको कैमरे में जस्टिस नहीं हो रहा रहेगा, बट ये बहुत इंक्लाइन है। अबे किधर नीचे आना है, अभी नीचे बुला रहा है मेरे को यार, गिर ना जाऊ मैं। फक, इधर से तो बाइंडर दिख रहा है। ये वेद, बाइक से नहीं जा सकते क्यों? अबे ये लोग धक्का का नहीं ना मारेंगे, तो अपना कार्यक्रम इधर ही करता रखता है। हाँ नहीं, किधर मतलब, फिर इधर नहीं तो फिर किधर?
पूरा पानी से भरा देता है था। तो देख फिशिंग कर रहे हैं, ये देख पूरा ओशन में जाता है। कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा रहेगा, ये इतना जस्टिफाई नहीं करेगा जो आग को दिख रहा है। मस्त है ना, ये पानी में नहीं तो क्या मस्त लगता है ना इधर। ए भाई पहले तू चढ़। थका दिया। अरे एक पत्ता तोड़ ये लोग के लिए। मेरे हाथ को मत खाना। ओ माय गॉड, खाया है पत्ता। एक और खाएगा? कौन सा वाला पत्ता खाएगा? ये अजवाइन जैसा स्मेल कर रहा है बे। खतरनाक बे। और ज्यादा नहीं है? ये है किसके बे? अच्छा इधर आना, इधर इधर ही है वो पत्ता, इधर से ही तोड़ा मैं। अबे मेरे को बचा इससे। चलो बाय बाय। उधर से मिला था ना, उधर ही मैंने पी लिया। बकरी से डर रहा है मतलब? तू कैसा चूतिया है वे? भाई ऐसा धक्का मार दी सींग से तो। बकरी नहीं मारेगी, बकरा मारेगा एक हाथ बार। अभी ये देखो, आपको फिर भी नहीं समझेगा बट ये बहुत स्टीफ है, बहुत स्टीफ है। चढ़ा नहीं? चढ़ा तू, मेरे को दिखाना है कितना स्टीफ है ये। ये पहले गियर में ही चढ़ेगा, दूसरे गियर में सिंगल सीट चढ़ पाएगा वरना नहीं। अबे किधर जा रहा है? मेरे को रुक, ऊपर जाके वरना बहुत मुश्किल है। थक गया भाई मैं, उधर से आ रहा हूँ। अबे तेरे को वापस आना था हराम खोर। खतरनाक बे, थक गया मैं भाई, उधर से आ रहा हूँ। हाँ ये तो बहुत खतरनाक है, उसको रिक्स भी उतना ही है। पत्थर है ना, पर चलेगा। ये देखो भाई, ये बीच दिखाने लाया है ये इधर हम लोग को। एकदम अजीब ही लग रहा है ना, गंदा गंदा सा है। गंदा तो बहुत है, ये सब अपना ही कचरा है जो अपन पानी में फेंकते हैं ना, हाई टाइड में बाहर फेंकते जाते हैं। समुंदर ने वापस फेंका अपने पास। ले भाई अपना कचरा तू ही रख। ये सब जगह तेरे को क्यों पता है बे? वैसे मैं घूमता रहता हूँ ना। घूमता रहता है या फिर इसमें से एक दो बोतल तेरा है? हंस क्यों रहा इतना तू? अबे ये गिर जाऊंगा भाई। लोगों यार तुम लोग को व्यू दिखाता हूँ, इधर बाइक ला सकते तो मजा आता बे। आगे चल, देखो एक और चीज। रुक जा, पानी में एक बार पैर तो रखूं मैं।
अबे नहीं करना चाहिए था, पैर गीला, रेती घुस गया अबे, खचर खचर हो रहा है अंदर। बहुत धूप है यार। सनसेट के टाइम आते ना तो और मजा आता है। मतलब वो बोलते हैं ना, आसमान समुंदर से मिलता है ऐसा धरती से, वो वाला फीलिंग ही आ रहा है इधर पूरा। उधर एक एक बोट है, शायद फिशिंग के रिलेटेड है, वो फिशिंग के रिलेटेड ही है। और पूरा मट रेती जा रहा है ये पानी के अंदर। बाकी अपन इंसानों ने फैलाया हुआ कचरा भी बहुत है इधर, ये देखो। इसको मैं निकालने जाऊंगा तो मेरा पैर ये हो जाएगा। और इधर टाइट नहीं आ रहा, मतलब ये ना बहुत डीप है, इसके आगे जाके ही बहुत, मतलब ये डीप रहेगा फटाक से, इसलिए उधर पोर्ट्स भी बहुत सही लगी है, क्योंकि ये डीप इनफ है। दूसरे बीच की तरफ नहीं है कि आप इसके अंदर अंदर जा सकते हो, ये इंस्टेंट आगे ही डीप हो जाएगा। बाकी सीन और क्लाउड तो बहुत सीनिक आ रहे हैं। सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम माई साइड, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। एक छोटी सी राइड करके आ गए हम लोग, एंड आपने देखा वैसे डेस्टिनेशन तो बहुत अच्छी थी। टोटल में कुछ रहेगा 25 से 30 किलोमीटर मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं चले। और अभी वो टाइम सनसेट उधर बहुत अच्छा रहता है, जैसे आपने वो देखा था, बहुत अच्छा सीन था उधर। सनसेट और भी अच्छा था, बट हम लोग को ये टाइम तक कुछ भी करके घर पे पहुंचना था, क्योंकि पिंके जॉब करता है तो उसकी नाइट शिफ्ट है, तो उसका लॉग इन टाइम हो रहा था, इसलिए घर पे आना पड़ा। वरना ये टाइम पे उधर सनसेट देखने में बहुत मज़ा आता। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग नए आए हो इस चैनल पे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लगी और अब तक देख रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को कर देना लाइक, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। और एक बार आप मेरा चैनल भी गो थ्रू करके देख लेना। मैंने अपने होंडा हॉर्नेट पे एक मॉडिफिकेशन सीरीज स्टार्ट की है, जिसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं पोस्ट कर चुका हूँ, एक बार वो गो थ्रू करके देख लेना। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, एंड मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी बेहतरीन वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, डोंट बी अ स्क्विड, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग, एंड एज ऑलवेज दिस इज़ मी आशीष साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर मेकिंग मी एज अ पार्ट ऑफ योर डे। Bye-bye.